पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह कल राज्य राजकीय के संक्षिप्त प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें एकता के सूत्र में बंधे रहने का नसीहत दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य राजकीय के सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए राजनांदगांव के मानपुर थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नक्सलियों का भय दिखाते हुए अंडरग्राउंड होने के संबंधी पत्र जारी करने के मामले में राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। मानपुर की घटना को उन्होंने हिंदुस्तान का अनूठा उदाहरण बताया। वहीं उन्होंने प्रदेश में लैंड और सैंड माफियाओं को प्रक्षय देने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया। लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पुलिस प्रशासन के हाथ से निकल चुका है। लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं इतनी तेजी से हो रही है, रोज पेपर में आधा पेज रंगा रहता है। एक हत्या नहीं, सामूहिक तीन तीन की हत्याएं एक साथ हो रही है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। मानपुर की घटना तो हिंदुस्तान का अनूठा उदाहरण है कि पुलिस का अधिकारी, वहाँ का थाना अध्यक्ष 40 लोगों को नोटिस देके मानपुर के लोगों को कहता है कि आप मानपुर छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ, हमारी जवाबदारी नहीं है, नक्सली आके तुमको मार देंगे। किसी राज्य में पुलिस प्रशासन यदि आम लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफल नहीं है और ये नोटिस देके सबको सूचित कर रही है कि आप चले जाओ, इसका मतलब है कि मानपुर से लेकर अन्य क्षेत्र में नक्सलियों का राज चल रहा है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हो गया गिरावट की पराकाष्ठा, जो हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में इतनी बदतर स्थिति 15 साल तो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया कि लोग डर के वजह से मानपुर छोड़ के भाग रहे हैं और प्रशासन उनको नोटिस दे रही है। अभी मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य योजना बना के, जैसे धान के मुद्दे पे लगातार हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे इशू हैं इस प्रदेश में, जो आज हालत है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, सीमेंट माफिया, कोल माफिया, जिस प्रकार हावी है, जिस प्रकार उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा कि ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है कलेक्टर और एसपी के लिए, पेमेंट सीट में जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना था कि पेमेंट सीट में कलेक्टर जाता है। मेडिकल कॉलेज एडमिशन सुना था, मगर अब तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई कि वो पैसा दे के आ रहा है और पैसा वसूल रहा है। हमारे संगठन का प्रभारी हमारे गतिशील रही है, हमारे संगठन गतिशील हुआ है, नया संगठन बन चुका है, जिले की टीम बन रही है और सारे प्रकोष्ठ बन जाएंगे।